स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका पीएससी अड्डा चैनल पर। और मैं दिक्पाल राठौर आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ रेलवे की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका दूसरा पार्ट। और हमने कल कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज फिर हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर, कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या ये आने वाले एग्ज़ाम में आपके आप देख सकेंगे इन क्वेश्चंस को, तो वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है। गेहूं और दाल के मिश्रण में मिश्रण के तोल में 80% क्या है? गेहूं है। गेहूं है, इसी मिश्रण में गेहूं के प्रतिशत को 90% करने के लिए उपरोक्त 150 किलोग्राम मिश्रण में कितने गेहूं मिलाने होंगे? क्या कहा उसने कि अभी कितने प्रतिशत गेहूं है? 80% गेहूं है और इसको 90% मिलाना है। 90% क्या करना है? गेहूं करना है। अभी 80% है, अभी उस तौल में कितना प्रतिशत गेहूं है? 80% गेहूं है और उसको कितना बनाना है? 90%। 90% बनाना है। मिश्रण कितना है? 150 किलोग्राम का। 150 किलोग्राम का मिश्रण है। देखिए कैसे कर, देखिए 150 किलोग्राम का जो मिश्रण है ये गेहूं और दाल का मिश्रण है, ये गेहूं और दाल का मिश्रण है। तो इसमें गेहूं देख लेते हैं कि ये गेहूं जो है ये कितने हैं, ये 80% है। तो 150 का 80% निकाल लीजिए। 150 का 80% जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 120 किलोग्राम, यानी कि गेहूं कितने हो गए? 120 किलोग्राम। तो दाल कितनी हो गई? 30 किलोग्राम। दाल कितनी हो गई? 30 किलोग्राम। ठीक है, 150 किलोग्राम मिश्रण में अभी क्या कहा कि 80% गेहूं है, तो कितने गेहूं हो गए? 120 किलोग्राम और दाल है, और बाकी क्या है? वो दाल है। तो दाल कितनी होगी? 30 किलोग्राम। अब आप ये सोचिए कि उसने क्या कहा है कि गेहूं के प्रतिशत को 90% करना है, यानी इसमें और गेहूं डालने होंगे। अभी कितने डालने हमें पता नहीं है, तो उसमें 90% क्या करना है? गेहूं हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी जो 10% बचेगा वो दाल ही होगी, क्योंकि दाल में तो कुछ मिला ही नहीं रहे अब, तो दाल तो वही रहेगी। तो दाल कितनी हो जाएगी? 10%। तो 10% बराबर क्या हो जाएगी? 30, यानी 10% बराबर क्या हो जाएगा? 30। 10% क्या है उसमें? दाल है, और दाल तो 30 किलोग्राम ही रहेगी, क्योंकि दाल तो मिला ही नहीं रहे। मिला क्या रहे? गेहूं। गेहूं मिलाएंगे तभी तो ये 90% होगा। तो हम यहाँ से 100% निकाले थे, अगर 10% बराबर क्या है? 30 है। तो यहाँ से अगर हम 100% निकालेंगे, यानी इसमें 10 का गुणा किया है तब 100 हुआ है, तो इधर भी क्या करेंगे? 10 का गुणा कर देंगे, इधर कितना हो जाएगा? 300 किलोग्राम। यानी कि कुल वजन कितना हो जाएगा? 300 किलोग्राम हो जाएगा। तो अभी वजन कितना है? 150 किलोग्राम। और फिर जब हम इसको क्या करेंगे, 90% क्या बनाएंगे? गेहूं। उसके बाद क्या हो जाए? गेहूं और मिला देंगे, 90% गेहूं बना देंगे, तो उसके बाद इसका वजन कितना हो जाएगा? 300 किलोग्राम। यानी कि 150 किलोग्राम, 150 किलोग्राम था, अब कितना हो गया? 300 किलोग्राम। यानी कितना मिला है गेहूं? 300 में से 150 माइनस कर देंगे, 150 अगर माइनस करेंगे तो कितना गेहूं और मिलाया? 150 किलोग्राम गेहूं और मिलाया। क्या किया एक बार और देखते हैं। 150 किलोग्राम का क्या था? मिश्रण था, और उसमें कहा है कि 80% क्या है? गेहूं। तो गेहूं कितने हो गए? 120 किलोग्राम। और बाकी जो बची थी, यानी 30 किलो जो है वो क्या है? दाल है। अब ये सोचिए कि उसमें क्या कहा है कि गेहूं के प्रतिशत को 90% करना है, यानी अब मिलाएंगे क्या? गेहूं ही, तभी तो उसका प्रतिशत बढ़ के ऊपर होगा, 90% होगा। तो यहाँ पे क्या है? 10% जो बचेगा, 90% अगर गेहूं हो जाएंगे तो बाकी 10% जो होगा वो क्या हो जाएगी? दाल। और दाल तो कितनी है? 30। ये तो दाल बढ़ेगी नहीं, दाल तो 30 किलोग्राम ही रहेगी। तो 10% बराबर क्या है? 30 किलोग्राम। ये क्या थी? दाल। यानी कि 10% बराबर 30 किलोग्राम है, तो 100% निकाल लिया, यानी कि पूरा वजन है कितना? तो पूरा वजन कितना आ गया? 300 किलोग्राम। अभी कितना है? 150 किलोग्राम। उसके बाद कितना हो जाएगा? गेहूं मिलाने के बाद 300 किलोग्राम। तो कितना गेहूं मिलाया? तो 300 में से ये 150 माइनस कर देंगे, कितना आया? 150 किलोग्राम। यानी कि ये क्या मिलाएंगे? गेहूं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर का क्वेश्चन। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में और उतनी ही लंबाई की विरुद्ध दिशा में आने वाली ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन की गति बतानी है। दूसरी ट्रेन की गति क्या है, ये पूछा है उसने। देखिए पहले दिया क्या हुआ है वो देख लेते हैं, कि एक ट्रेन जो है वो कितनी लंबी है? 150 मीटर लंबी। ठीक है, एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। अगर एक खंभे को कभी भी ट्रेन पार करती है, यानी कि जैसे खंभा कैसा होता है ऐसा, अब खंभे की तो कोई अपनी खुद की दूरी नहीं होती है, और ट्रेन इधर से निकलती है, जैसे ट्रेन इधर से जा रही है, तो ये दूरी कितनी तय करेगी? देखिए समय कहाँ से शुरू होगा? ये ट्रेन का इंजन है, ठीक है, यहाँ से, तो ये यहाँ से समय काउंट होना स्टार्ट होता है, यहाँ से समय शुरू होता है, और जब ये इंजन आगे बढ़ता जाता है ना, अब वो इंजन यहाँ पे आ जाता है, तब जाके ट्रेन का लास्ट डिब्बा यहाँ पे आएगा, तब जाके वो समय क्या होगा? समाप्त होगा। तो ये समय कितना लगा उसे, मतलब यहाँ से
ट्रेन के डिब्बे ने कितने लंबी जो इंजन है उसने कितनी दूरी तय की इस समय में, यानी कि उसकी खुद की जो लंबाई है, उस ट्रेन की खुद की जो लंबाई है उतनी दूरी तय की है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 150 मीटर की जो दूरी है वो कितने सेकंड में पार कर रहा है, वो 15 सेकंड में पार कर रही है, यानी उस ट्रेन की स्पीड क्या हो गई 10, ये क्या था मीटर, और ये समय क्या था सेकंड में, यानी कि इकाई क्या हो गई है 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी जो पहली ट्रेन थी T1, यानी पहली ट्रेन थी उसकी स्पीड क्या हो गई है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब दूसरी ट्रेन देख लेते हैं, अब उसने क्या कहा कि उतनी ही लंबाई की विरुद्ध ट्रेन, यानी कि पहले कितने लंबाई की ट्रेन थी 150 मीटर की, और उतनी ही लंबाई की ट्रेन आ रही है सामने से, यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी, ये तो इधर से आ रही है और उतनी ही लंबाई की ट्रेन ये इधर से आ रही है, समय कहाँ से शुरू होगा, दोनों मिलेगी जब वहाँ से, ठीक है। लेकिन ये जब चलेगी, दोनों चलती है ऐसे, तो इंजन यहाँ पे आ जाएगा और ये भी चलेगी, तो ये इंजन कहाँ आ जाएगा, ये इससे भी आगे निकल जाएगा, तब जाके इसका लास्ट डिब्बा रहेगा और इसका भी क्या रहेगा लास्ट डिब्बा, तब जाके समय क्या होता है समाप्त। यानी कि वो दूरी कितनी चलती है यहाँ से लेकर ये, इतनी तो ये चली और इतनी ही ये चलती है, यानी एक ट्रेन कितनी दूरी तय करती है, यानी दोनों का योग कर देते हैं, इतनी दूरी तय करेगी, तो यहाँ पे दोनों की दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों कितनी लंबाई की है 150 मीटर की, यानी दोनों मिल के यानी कि वो ट्रेन कितनी चलेगी 300 मीटर, दोनों ट्रेनें कितनी चलेगी 300 मीटर चलेगी, तभी एक दूसरे को क्या करेगी वो पार करेगी। आप हमेशा ध्यान रखिए वो जितनी भी दूरी तय कर रही है, या तो अगर क्या प्लेटफॉर्म की कह दे, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी उसमें काउंट होती है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्यों काउंट नहीं होगी, क्योंकि खुद खंभे की है ना कुछ भी लंबाई नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे खंभे में तो कोई लंबाई नहीं थी, लेकिन प्लेटफॉर्म तो एक लंबा होता ही है, 200 मीटर 400 मीटर 1 किलोमीटर है ना, और ट्रेन भी लंबी होती है, तो ट्रेन दोनों की क्या होगी ऐड होगी उसमें, तो कितनी दूरी तय करेगी 300 मीटर की, लेकिन 300 मीटर की जब वो आमने सामने हो रही है तो दोनों की स्पीड क्या होगी जुड़ेगी, क्योंकि अगर ये भी मान लिया जाए कितनी स्पीड से जा रही है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड हमने निकाला है कि ये ट्रेन तो इस स्पीड से जा रही है, और ये भी किसी स्पीड से जा रही होगी, ठीक है। तो ये दोनों स्पीड काउंट क्यों होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को एक ये इस स्पीड से जा रही है, ये एक्स की स्पीड से आ रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे को किस स्पीड से पार करेगी 10 प्लस एक्स मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है कि दोनों की स्पीड क्या होगी काउंट होगी, दोनों की स्पीड इसमें क्या होगी ऐड होगी, तो दोनों की स्पीड मान लेते हैं, इसकी स्पीड तो कितनी थी 10 मीटर प्रति सेकंड, और इसकी हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि एक्स की इसकी स्पीड कितनी है एक्स, और इस प्रकार इस दूरी को पार करने में उसे कितना समय लगेगा 12 सेकंड का समय लग रहा है। कहा है उसने क्वेश्चन में कि 12 सेकंड का समय वो एक दूसरे को पार कर लेगी, यानी कि यहाँ पे समय कितना लगा है 12 सेकंड। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 एकम 12, यहाँ से काट देंगे, यहाँ से 12 एकम 12 कितना बचा 6, 60 हुए, 12 पंचो 60, सॉरी 12 दूने 24 होते हैं, ठीक है, 12 दूने 24, 6 बचे कितना हो गया 60 हुए, 12 पंचो 60, ठीक है। ये इसका गुणा उधर कर देंगे कितना हो जाएगा 25, बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब ये स्पीड काय में आई होगी मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ये भी मीटर में थी और ये स्पीड भी काय में थी, हमने काय में मानी थी सेकंड में, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में ही थी, ठीक है। दोनों की ये स्पीड काय में आई मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन जब मीटर प्रति सेकंड में स्पीड अगर दी रहे और उसको किलोमीटर में चेंज करना है, अगर मीटर प्रति सेकंड में दी रहे और बड़ी इकाई, बड़ी इकाई होती है मीटर से काय में जा रहे हैं हम किलोमीटर में जा रहे हैं, तो बड़ी इकाई होती है तो हमें इसमें काय का गुणा करते हैं 15 गुणित क्या हो जाएगा, इसमें किसका गुणा करेंगे 18/5 का, 18/5 का। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर हम बड़ी इकाई में जाते हैं तो बड़ी संख्या ऊपर होती है, अगर छोटी इकाई में आते हैं अगर किलोमीटर होता है यहाँ पे और उसको मीटर प्रति सेकंड में लाते तो 5 ऊपर चला जाता, 18 कहाँ आ जाता नीचे, तो क्या हो जाता है 5/18 हो जाता। लेकिन अब हम क्या जा रहे हैं मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जा रहे हैं, तो बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी उधर आएगी, 5 से काट देंगे 5 एक 5, 5 से 15, 18 से कितना हो जाएगा 54, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या किया है एक बार और देख लेते हैं, यानी कि जो ट्रेन फर्स्ट थी वो क्या जा रही थी 150 मीटर लंबी ट्रेन थी वो, और एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर रही थी, यानी वो खुद की दूरी ही चल रही थी, खंबे की कोई लंबाई नहीं होती है, तो 15 से भाग दिया यानी इसकी स्पीड आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है उतनी ही लंबाई की सामने से एक और ट्रेन आ रही है और उस ट्रेन को कितने सेकंड में पार कर रही है वो 12 सेकंड में पार कर रही है, तो सामने से उतनी लंबी की ट्रेन आ रही है यानी कि कुल दूरी कितनी चलेगी वो 300 किलोमीटर, 300 मीटर, क्यों, क्योंकि दोनों की लंबाई है ना,
ये भी 150 मीटर है और ये भी 150 मीटर, दोनों की लंबाई काउंट होती है इसमें, दोनों की लंबाई जोड़ेगी तो क्या हो जाएगा 300 मीटर, और 300 मीटर की दूरी किस स्पीड से जाएगी, 10 तो इसकी स्पीड है और सामने वाले की हमें पता नहीं, वो तो हमें ज्ञात करनी है, उसने कहा है कि दूसरी ट्रेन की स्पीड बताइए, तो हमने मान ली एक्स और ये 12 सेकंड में पार कर रही थी, 12 से इसको डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, इसका गुणा उधर कर दिया क्या हो गया एक्स की वैल्यू आ गई है 15। अब ये 15 मीटर प्रति सेकंड में क्यों आया, क्योंकि ये दूरी कायमी थी मीटर में और ये स्पीड हमने कायमी मानी थी सेकंड में, ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में आया है और 18/5 क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में लाएंगे तो 18/5 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, वे दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद बी को जाना पड़ता है, तो शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करता है, ये क्वेश्चन है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ए और बी काम कर रहे हैं या काम समय और कार्य का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप सबसे पहले एक स्पीड निकालिए, उनकी स्पीड क्या होती है, उनकी क्षमता निकालते हैं। देखिए क्षमता कैसे निकालते हैं बताता हूँ, कि ए कितने दिन में कर रहा है काम 15 दिन में, ठीक है, और बी कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं दोनों, ए कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में और बी कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में, यानी कि इन दोनों का एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30, यानी कि पूरा काम है कितना 30, ये हम मान के चलते कि पूरा काम है कितना 30, तो ए की स्पीड कितनी है 15 से इसको डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा 2 और बी की स्पीड कितनी हो जाएगी 3, यानी कि ए एक दिन में कितना काम करेगा 2 और बी एक दिन में कितना काम करेगा 3, ठीक है, कैसे निकाला एक बार देखिए, ए 15 दिन में कर रहा था, बी 10 दिन में कर रहा था, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 30, यानी पूरा काम कितना हो गया है 30, तो ए 15 दिन में कर रहा, 15 से इसमें भाग देंगे यानी 2, एक दिन में कितना काम करेगा ए 2 काम करेगा और बी एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा, ठीक है। अब उन दोनों ने काम करना शुरू किया है और 2 दिन तक दोनों ने काम किया, तो ए एक दिन में कितना कर रहा था 2 और बी एक दिन में कितना काम कर रहा था 3, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 5, तो एक दिन में 5 करें तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे ये 10 काम कर देंगे, कुल काम था कितना 30, कुल काम कितना था 30, उसमें से 10 हो चुका है तो बचा कितना 10 अगर माइनस कर देंगे तो बचा कितना 20। अब ये काम कौन करेगा, ये काम बी तो चला गया है, उसने क्या कहा कि 2 दिन के बाद बी को जाना पड़ता है, तो बी तो चला गया, बचा कौन ए, और ए की स्पीड कितनी है 2 और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे यानी कि ए शेष काम को कितने दिन में करेगा 10 दिन में, क्या आया आंसर हमारा 10 दिन। देखिए कैसे किया, दोनों की क्या दे रखा था कि वो पूरे काम 15 और 10 दिन में कर सकते हैं, हमने कुल काम निकाल लिया और दोनों की स्पीड निकाल ली कि ए 2 काम कर रहा है एक दिन में और बी कितना काम कर रहा है 3, दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं 2 दिन तक साथ में काम किया, यानी कि एक दिन में कितना काम करते हैं 3 और 2 कितने हो गए 5, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम करेंगे 10 काम करेंगे, ठीक है, 30 में से 10 काम तो हो गया है, बचा कितना 20, और 20 बचा है और कौन करेगा ए, ए एक दिन में कितना काम करता है 2, तो कितने दिन लगे 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि वो काम 10 दिन में करता, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए एक राशि 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, एक राशि 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है उसी ब्याज दर से वह राशि कितने वर्षों में तीन गुनी होगी, देखिए ये क्वेश्चन है, क्या कहा उसने कि एक राशि 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है और उसी ब्याज की दर से वह राशि कितने वर्षों में तीन गुनी होगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन उसने क्या कहा, ना तो किसी बात कही कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात कही है, किस दर से कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कहा। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को,
अगर कुछ भी नहीं कहे कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से या साधारण ब्याज की दर से, तो आप हमेशा मान के चलिए कि साधारण ब्याज की ही बात हो रही है। तो साधारण ब्याज की दर से वो 10 वर्षों में कितनी हो रही है, दोगुनी। दोगुनी यानी अगर उसका वो राशि अगर 100 रुपये है तो उसका ब्याज भी कितना आ रहा है, 100 रुपये आ रहा है। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। तो देखिए 100 रुपये ब्याज मिल रहा है 100 रुपये की राशि पे, ठीक है। साधारण ब्याज का सूत्र लगा देते हैं कि 100 रुपये क्या मिल रहा है ब्याज, 100 रुपये की राशि पे, और कितने समय में, 10 वर्षों में। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, दर। तो दर निकाल लेंगे, कितने आ जाएगी, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कट गई, यानी कि दर कितनी आ गई, 10%, ठीक है। दर क्या आ गई है, 10%। क्या क्या हमने, मान लीजिए कि 100 रुपये की राशि थी और 100 रुपये का क्या मिल रहा है, उस पर ब्याज मिल रहा है उतनी ही। देखिए दोगुनी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि 200 हो जाए, 200 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी, 200 रुपये हो जाएगी, लेकिन ब्याज कितना मिलेगा, 100 रुपये तो पहले से थी तो 100 रुपये का ब्याज मिला ना, तो ब्याज कितना मिला, 100 रुपये का, और कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। और दर कितनी हो गई, दर तो हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पे बटे में क्या आ जाता है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 से 10 काट देंगे, आर कितनी आ गई, 10। यानी दर की मान कितना आ चुका है कि 10%। अब इसी दर से उसने क्या कहा, उसी ब्याज दर से वह राशि कितने वर्षों में तीन गुनी होगी। देखिए तीन गुनी यानी कि 100 रुपये तो पहले से थी, तीन गुनी यानी 300 होनी चाहिए, अभी कितनी है, 100 रुपये, तो तीन गुनी यानी 300 हो गई, तो कितना ब्याज मिलेगा, 200 रुपये का क्या होना चाहिए, ब्याज, क्योंकि 100 रुपये तो अभी है, उसको 300 रुपये बनाना है तो 200 रुपये का ब्याज चाहिए हमें, 200 रुपये और ब्याज प्राप्त होगा 100 रुपये पे। हमें अब क्या निकालना है, समय निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। और दर तो है हमारे पास कितनी, उसी दर से कहा यानी कि 10% की दर थी, और क्या हो जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। यहाँ 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, 10 से 10 कट जाएगी, यानी कि समय कितना आ चुका है, 20 वर्ष, कितना आ चुका है, 20 वर्ष, यानी कि वो राशि 20 वर्ष में क्या हो जाएगी, यानी कि वो राशि 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, तीन गुनी हो जाएगी, ठीक है। कैसे किया, एक बार देखते हैं कि 10 वर्षों में 2 गुनी हो गई थी, यानी 100 रुपये अगर वो राशि थी तो 200 रुपये हो गई थी, यानी 100 रुपये और ब्याज मिला था, ठीक है, 100 रुपये और ब्याज मिला था कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। तो हमने निकाल लिया कि यहाँ पे दर कितनी थी, 10%, और उसी दर से कितना रुपये, कितना ब्याज चाहिए हमें, 200 रुपये, क्यों, क्योंकि 100 रुपये तो पहले से है, वो तीन गुनी होनी चाहिए यानी 300 रुपये होनी चाहिए, तो ब्याज तो 200 रुपये चाहिए ना, 100 रुपये तो पहले से है, ठीक है। तो यहाँ से समय कितना आ गया है, 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष में वो कितनी गुनी हो जाएगी, तीन गुनी हो जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। एक जमीन को, एक जमीन को 54,000 रुपए में बेचने पर, 54,000 रुपए में बेचने पर 10% का घाटा होता है, 10% का क्या होता है, घाटा होता है, 15% लाभ, 15% लाभ पाने के लिए उस जमीन को कितने में बेचना होगा, उस जमीन को कितने रुपए में देखिए ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि उस जमीन को 54,000 रुपए में बेच रहा है वो, और 10% का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, ठीक है। तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस जमीन को कितने में बेचना चाहिए। देखिए ऐसा जब क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट कीजिए इसको, कैसे, देखिए 10% का घाटा हो रहा है, यानी कि अगर वो 100 रुपये उसका कीमत होगी तो 10 रुपये का घाटा होता है तो कितने में बेचता है, 90। 100 का 10% कितना होता है, 10, यानी कि अगर 100 रुपये का वो खेत था या वो जमीन थी तो उसमें 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, यानी घाटा हो रहा है, तो उसमें से 10 माइनस कर दो, यानी वो कितने में बेच रहा है, केवल 90 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 100 रुपये क्या था, उस जमीन का मूल्य था, और उसमें 10% का घाटा हो रहा है तो 90 में बेच रहा है, यानी कि हमारे अनुसार हमने माना उसके अनुसार कितने में हो रहा है कि 90 में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, और क्वेश्चन के अनुसार कितने में बेच रहा है, 54,000 में, कितने में बेच रहा है, दोनों बराबर होना चाहिए,
क्योंकि ये भी बेचने का है, ये भी बेच रहा है, ठीक है। अपने अनुसार कितने में बेच रहा है? 90 में, और क्वेश्चन के अनुसार कितने में बेच रहा है? 54,000 में, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए, क्या कहा उसने कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 100 में अगर वो खरीद रहा था और उस पर 15% 15 रुपये का लाभ प्राप्त करना चाहता है, यानी कितने में बेचेगा? 115 में। तो हमारे अनुसार हमें कितना प्राप्त, हमें हमारे अनुसार कितना चाहिए? 115। तो 115 बराबर चाहिए, तो 115 बराबर यहाँ पे इसकी कीमत चाहिए। अभी 90 बराबर तो हमारे क्या दे रखा है? 54,000। हमने माना था 90 रुपये में बेच रहा है और क्वेश्चन के अनुसार क्या हो रहा है? 54,000 में बेच रहा है, ठीक है। और अब हमें चाहिए 115, हम कितने में बेच रहे हैं? 115 में। तो 115 बराबर चाहिए, तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं देखिए, जिस जो भी चाहिए, जैसे 115 बराबर चाहिए हमें, तो 115 का इसमें गुणा कर दीजिए। 115 का क्या कर देंगे? गुणा, और बटे में क्या आ जाएगा? 90। क्या आ जाएगा? 90। ये 54,000 किसके बराबर था? 90 के। तो ये बटे में क्या आ जाएगा? 90। क्या क्या एक बार और देख लीजिए, हमें क्या चाहिए? 115 बराबर चाहिए, क्योंकि हम कितने में बेच रहे हैं? 15% लाभ पर, यानी 100 रुपये पे खरीद रहे थे और 15 लाभ कमा रहे हैं, यानी कि 115 में बेच रहे हैं। तो हमें, हमारा तो पता है कि हम कितने में बेच रहे हैं? 115 में, लेकिन उसका नहीं पता। तो 90 बराबर हमने दे रखा है कि हमारा 90 बराबर उसके किसके बराबर है? 54,000 के बराबर है। तो हमें हमारा 115 बराबर निकालना है, तो जो निकालना है गुणे में और बटे में क्या आ जाएगा? 90। 10 से 10 9 से काट देंगे, 9 एकम 9 छंग क्या आ जाएगा? 54, यानी कि क्या आ गया? 600। 600 का गुणा 115 में कर देंगे, 6 का गुणा कीजिए, 6 5 30 हासिल लगा 3, 6 एकम 6 और 3 कितना होगा? 9, ठीक है। 6 एकम 6 यानी कितने में बेचेंगे? 69,000 में, यानी कि 69,000 में उसको बेचने पर क्या हो जाएगा? हमें 15% का क्या प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा। कैसे किया एक बार देख लीजिए, हमने माना पहले कि वो खेत कितने का था या वो जमीन कितने की थी? 100 रुपये की, और 10 की हानि हो रही है, यानी 10 रुपये की हानि हो रही है, तो कितने में बेच रहे? 90 में। हमने जो माना है उसके अनुसार तो 90 में बेच रहे, लेकिन क्वेश्चन जो कह रहा है वो कितने में बेच रहा था? 54,000 में। यानी कि ये दोनों बराबर हो सकते हैं, क्योंकि हम भी बेच रहे हैं, वो भी बेच रहा है उसी जमीन को, ठीक है। तो यहाँ पे 54,000 हुआ है, हमने 100 रुपये में खरीदी और 15% लाभ पर, यानी 15 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 115 में बेच रहे हम, ठीक है। और उसी जमीन को वो कितने में बेच रहा है ये हमें पता करना है कि वो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचता होगा, ठीक है। तो देखिए 115 बराबर निकालना है, तो जो निकालना हो उसके गुणे में कर दीजिए, और ये 54,000 किसके बराबर लिखा था हमने? 90। ये 90 बटे में आ जाएगा, सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 69,000। तो ये इसका आंसर कितना आया है? 69,000। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? सेब की कीमतों में 15% की गिरावट के कारण एक क्रेता किसे कहते हैं? खरीदार को, यानी कि खरीदार एक क्रेता 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद सकता है, तो सेब की प्रति किलोग्राम नई कीमत क्या है? देखिए ये क्वेश्चन, जब ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आए, तो एक तो यहाँ पे क्या पूछता है, एक तो नई कीमत, जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा उसने? नई कीमत है, क्या पूछा है कि 15% की, क्या कहा पहला कि उसमें 15% की क्या हुई है? गिरावट, वो गिरावट हुई है, और एक खरीदार कितने 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद पा रहा है, कितने 240 रुपये में पहले जितना खरीद पा रहा था उससे अब कितना ज़्यादा खरीद पा रहा है? 2 किलोग्राम, ठीक है। और सेब की प्रति किलोग्राम नई कीमत, देखिए एक तो नई कीमत पूछता है, एक तो नई कीमत हमें निकालना है, या फिर क्वेश्चन में ये पूछता है कि वास्तविक कीमत बताइए, वास्तविक मूल्य या प्रारंभिक कीमत। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है, ये दो टाइप के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, केवल दो टाइप पूछे जाते हैं, या तो क्या पूछेगा? नई कीमत पूछेगा, या फिर वास्तविक क्या प्रारंभिक कीमत, या फिर वो कहेगा परिवर्तित कीमत बताइए। तो देखिए कैसे करते हैं इन दोनों क्वेश्चन को, केवल थोड़ा सा ही अंतर है इस क्वेश्चन को करने में, इन दोनों कीमत ज्ञात करने में। देखिए 15% की क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। आप लिख लीजिए कि कितने प्रतिशत की गिरावट हुई? 15% की, ठीक है। और कितने रुपए में खरीद रहा था? 240 रुपये में, इसमें गुणा कर दीजिए 240 का गुणा कर देंगे, ये का ये सेम प्रोसेसर कहाँ करेंगे? यहाँ पे भी। वास्तविक कीमत भी ज्ञात करने के लिए ये दोनों चीज़ें यहाँ पे भी होगी। और कितना किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है? 2 किलोग्राम, तो यहाँ पे बटे में लिख दीजिए 2 किलोग्राम, और यहाँ पे बटे में लिख दीजिए 2 किलोग्राम, ठीक है। इतना सेम प्रोसेसर करना है, वास्तविक कीमत पूछे या फिर नई कीमत पूछे, ठीक है। अभी हमें क्या पूछा है? नई कीमत पूछा है। अगर वास्तविक कीमत भी पूछता तो हम यही करते, केवल एक अब थोड़ा सा चेंज है कि क्या करते हैं, देखिए 15% की क्या हो रही है? गिरावट। और नई कीमत अगर पूछे, गिरावट हो या क्या हो, अगर वो बढ़ोतरी हो मूल्य में, और अगर नई कीमत पूछे, तो हमेशा यहाँ पे किसका गुणा करना है? इस 2 के साथ में किसका गुणा करना है? 100, यानी इसमें क्या बटे में क्या लिखना है? यहाँ पे 100 लिखना है,
क्या क्या है, 15% की गिरावट हो रही थी, 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक खरीदा था। ये प्रोसेसर तो दोनों जगह सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 100, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे गिरावट हो रही है। अगर गिरावट होती है तो इसको 100 में से कितने की गिरावट हो रही है, 15, तो 100 में से माइनस कर दीजिए यानी कितना हो जाएगा 85। ठीक है, वास्तविक कीमत अगर पूछे और गिरावट हो रही है तो क्या कीजिए माइनस, और अगर वो बढ़ोतरी हो रही होती, क्यों कहता है कि कीमतों में क्या हो रही है 15% की बढ़ोतरी हो रही है, तो ये 100 में प्लस कर देते। ठीक है, क्या हुआ, अगर बढ़ोतरी होती तो यहाँ पे क्या कर देते, 100 में प्लस कर देते, यहाँ पे अभी क्या हो रही है गिरावट हो रही है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 100 में से इसको माइनस कर देंगे। अब हमें नई कीमत निकालनी, देखिए नई कीमत कैसे निकाल सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे 5 से काट दीजिए 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 6, यानी कि नई कीमत कितनी आ गई 18 रुपये प्रति किलोग्राम। नई कीमत कितनी आ गई है 18 रुपये प्रति किलोग्राम। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो पुरानी कीमत है या वास्तविक कीमत है वो कितनी है, देखिए 5 से काट देंगे 17 आ जाएगा, 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा 3, ठीक है, यहाँ 2 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 120, इन दोनों का गुणा कर दें कितना हो जाएगा 360/17, ठीक है, काट दीजिए 17 × 17 = 34, यहाँ पे कितना बचा 20 हुआ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 × 17 कितना बचा 3/7, यानी कि वास्तविक कीमत क्या है 21 से 3/7 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी कि देखिए वास्तविक कीमत तो सही बटे में आई है, हमें पूछा ही नहीं था उसने वास्तविक कीमत, मैं बता रहा हूँ केवल आपको कि वास्तविक कीमत भी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि वास्तविक कीमत ज्ञात करने के लिए क्या है, अगर गिरावट हो रही है तो 100 में से माइनस कर दीजिए जितनी भी गिरावट हो रही है, और अगर बढ़ोतरी हो रही है तो उतना ही प्लस कर दीजिए, और नई कीमत में तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है केवल हमेशा क्या करना है 100 का ही गुणा करना है, इसके साथ में किसका गुणा करना है 100 का ही गुणा करना है। ठीक है, तो ये जो वीडियो था इसमें हम लेकर आए थे आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन जो रेलवे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके, और अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो भी देख लीजिए, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो अगर पसंद आया है तो अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।